एवरीवन, यू आर वाचिंग फूड फिटनेस एंड फन एंड दिस इज डाइटिशियन मंजू मलिक। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 7 डेज क्लींसिंग डाइट प्लान, यानी जो आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करेगा, ऐसा एक डाइट प्लान 7 डेज का है सिर्फ। इट इज़ वेरी इजी टू फॉलो। और क्यों मैं डाइट प्लान लेकर आई हूँ, ये बेसिकली बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आती है कि हमें कुछ नियर फ्यूचर में हमारा कुछ स्पेशल इवेंट है, या फिर अभी अभी मैं वेकेशन से आई हूँ, यूजुअली मेरा वेट इतना नहीं होता है लेकिन अभी थोड़ा सा बढ़ गया है, या फिर कोई ट्रैवल कर रहे थे आप जिसकी वजह से आपका वेट गेन हो गया है, आपकी वेडिंग है जिसकी वजह से आपको थोड़ा वेट लॉस करना है। सो बेसिकली आपकी बॉडी में जो एक्सेस फैट हो गया है ड्यू टू एनी रीज़न, और उसको आप कम करना चाहते हैं, आपकी बॉडी को क्लींस करना चाहते हैं, आपकी बॉडी को क्लीन करना चाहते हैं, तो एक अच्छा डाइट प्लान है। एंड दिस इज़ डिज़ाइन बाय मी एज अ डाइटिशियन। मैंने बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को दिमाग में रखी डिज़ाइन किया है, और काफ़ी मैंने एक्सपेरिमेंट भी किया है। I won't say कि you will end up losing a lot of weight. It depends upon body to body. It depends upon person to person कैसे लेता है, लेकिन आपकी body light ज़रूर feel करेगी अगर आप bloated रहते हैं, तो उसमें आपको help मिलेगी। और एक और important चीज़ जिसके लिए मैंने ये design की थी diet plan, कि जिन लोगों को पता ही नहीं है किस चीज़ से उन्हें problem होती है, वो फिगर आउट करने में इस डाइट से बहुत पता लगता है। मुझे काफ़ी लोगों ने बताया कि ओ नाउ वी नो कि हमें किस चीज़ से प्रॉब्लम होती है, नाउ वी नो कि हम क्यों ब्लोटेड फील करते हैं, नाउ वी नो कि हमें वेट लॉस से किस चीज़ से वेट लॉस में हेल्प मिलती है, किससे हमारा वेट गेन होता है, या फिर हमें इनडाइजेशन होता है, या हम इस चीज़ से एलर्जिक हैं। सो ये बहुत सारे इसके फ़ायदे हैं अगर ठीक से किया जाए, बट हाँ, एक लाइफस्टाइल के तौर पर मैं इसे सजेस्ट नहीं कर रही हूँ। आई एम नॉट सेइंग कि आप लॉन्ग टर्म इसे करें। 7 days you have to do, that is 1 week, and you can get back to your normal way of eating, लेकिन healthy way of eating। लेकिन ये नहीं है कि अगर आपने डिटॉक्स का ये डाइट प्लान फिनिश किया है, अगेन आप जंक खाने लग जाएं, अगेन आप अनहेल्दी लाइफ स्टाइल पर चले जाएँ, देन इट इज़ नन एंड वॉइड। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, डोंट गो फॉर इट। ये मैं उन्हीं को सजेस्ट करूँगी जो अदरवाइज हेल्दी खाते हैं, अपना वेट मेंटेन रखना चाहते हैं, हेल्दी रहना चाहते हैं, एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं, जिनका एक्टिविटी लेवल हाई है और किसी कारण से उनका वेट थोड़ा बढ़ गया है, वो लूज़ करना चाहते हैं, सो इट इज़ फॉर दोज पीपल। या फिर जो अपने वेट लॉस की जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं एंड दे वॉन्ट टू स्टार्ट बाय क्लिंजिंग देयर बॉडी। सो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने होंगे। अभी शुरुआत करते हैं डाइट प्लान के साथ। 4 फेजेस में इसे डिवाइड किया गया है, 2-2 दिन है और एक लास्ट डे है जहाँ पर मैं कुछ चीज़ें इन्वॉल्व करूँगी। अलग अलग फूड ग्रुप की चीज़ें, लीस्ट एलर्जिक और मोस्ट एलर्जिक चीज़ें धीरे धीरे करके इंट्रोड्यूस होंगी। पहला फेज है वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स का फेज, जहां पर आपको 2 दिन सिर्फ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाना है। पहले दिन नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स आपको खानी है, फ्रूट्स ऐसे खाने हैं जो थोड़े से लो हों ऑन शुगर। सो बेसिकली ऑन day 1 यू कैन ईट लीफी वेजिटेबल्स, आप कैरेट्स खा सकते हैं, देयर इज अ लिस्ट जो मैं आपको पूरा प्रोवाइड करूँगी। 2nd डे आप नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स और थोड़े से नट्स एंड सीड्स, यानी 1 सर्विंग आप नट्स एंड सीड्स के उसके अंदर इन्वॉल्व कर सकते हैं। ये है 1st फेज। तो day 1 पे आपको नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स लेने हैं। नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स सिर्फ 2 ऐसी हैं जो यहाँ पर स्टार्ची है, पर मैंने ऐड की हैं बिकॉज दे आर लो कैलोरी एंड दे आर गुड फॉर वेट लॉस। सो कैरेट्स, टोमेटो, ब्रोकली, एग प्लांट यानी कि बैंगन, स्पिनिच, कैप्सिकम, बीन्स, बीट्स, कॉलीफ्लावर यानी फूल गोभी, कैबेज, पत्ता गोभी, लेटस, सेलरी, क्यूकम्बर यानी खीरा, जुकीनी, मशरूम, ओकरा यानी भिंडी, अनियन, रेडिश, टर्निप, कोई भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल, लीक्स एंड एस्पेरेगस आप खा सकते हैं। फ्रूट्स आप खा सकते हैं एप्पल, ऑरेंज, पपाया, मेलन, वाटर चेस्टनट, कीवी, बेरीज, प्रोमोग्रेनेट यानी अनार और पाइनएप्पल। आप हर्ब्स एंड स्पाइसेस खा सकते हैं इन मॉडरेशन। सो सर्विंग और कुकिंग मेथड की बात करें तो 9-14 कप्स ऑफ वेजिटेबल्स आप खा सकते हैं। डिपेंडिंग अपॉन आप मेल हैं फीमेल, आप उन्हें स्लाइटली कुक कर सकते हैं, अच्छी तरह धो के या तो स्टीम कर सकते हैं, ग्रिल कर सकते हैं। जूसिंग अवॉइड करें, लेकिन अगर कभी कभी मन करे तो दैट इज़ फाइन। और ग्रीन वेजिटेबल्स ज़्यादा खाएं। 2-3 सर्विंग्स ऑफ फ्रूट्स लेनी है, कोशिश करें सिट्रस फ्रूट्स लें या फिर फ्रूट्स जिनमें वाटर कॉन्टेंट हाई हो। हर्बल टी ले सकते हैं 2-3 सर्विंग विदाउट एनी स्वीटनर। साथ ही अपने सॉल्ट इनटेक पर ध्यान दें, अपने आप को हाइड्रेट रखें, एंड आप लेमन यूज़ कर सकते हैं फॉर ड्रेसिंग अपनी वेजिटेबल्स के लिए। ये day 1 का डाइट प्लान है, डाइट चार्ट है। 3 कप्स ऑफ नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स एंड
one fruit as a snack, and then again 3 cups of non-starchy vegetables. Day 2 से आप starchy vegetables include कर सकते हैं और fistful of यानी मुट्ठी भर के nuts and seeds. So potato, sweet potato, corn, yam, pumpkin, squash जैसी vegetables आप add कर सकते हैं. Banana, cherries, avocado and peaches add कर सकते हैं. Fruits में अगर आपने नहीं include किए और आसपास मिलते हैं. और nuts and seeds, almonds, pumpkin seeds, flax seeds, chia seeds, melon seeds या फिर walnuts, peanuts even. So one serving of starchy vegetables add कर सकते हैं. One serving of कोई भी new fruit. मैक्सिमम आप जो खा सकते हैं नट्स एंड सीड्स में वो 2 फिस्टफुल है. अगर आप मेल हैं तो आप 2 मुट्ठी भर के खा सकते हैं, अदरवाइज 1 इज इनफ. और ऑब्वियसली जो मेल है उनकी फिस्ट भी यानी मुट्ठी भी ज़्यादा बड़ी होगी. कंटिन्यू विद हर्ब्स एंड स्पाइसेस और येस एज ऑलवेज स्टे हाइड्रेटेड. डाइट चार्ट ऑफ डे 2 कप्स ऑफ नॉन स्टार्ची एंड 1 कप ऑफ स्टार्ची वेजिटेबल्स, नट्स या फिर नट्स एंड सीड्स या फिर फ्रूट्स, 3 कप्स ऑफ नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स फॉर लंच, नट्स एंड सीड्स या फ्रूट फॉर स्नैक. आप एक ही सर्विंग ले सकते हैं, पहले में आप फ्रूट ले सकते हैं, दूसरे में आप नट्स एंड सीड्स ले सकते हैं, एंड डिनर में 3 कप्स ऑफ नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स. मूविंग ऑन टू सेकेंड फेज, सेकेंड फेज जो है उसमें आप वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के साथ पल्सेस एंड लेग्यूम्स ऐड करेंगे. पहले दिन आप दाल जो है वो लेकर आएंगे अपनी डाइट में वापस, एंड दूसरे दिन लेग्यूम्स. सो अगर आपको ब्लोटेड फील होता है कोई भी दाल खाने के बाद, सो यू कैन, मैं जो सजेस्ट करती हूँ होल कोई दाल अगर आप लें, अगर आप मूंग दाल लें दैट इज़ बेटर. सो फोर्थ डे आप छोले, सोया या आप चना खाएं एक सर्विंग, बाकी दिन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स नट्स खा सकते हैं एज स्नैक. सो डे 3 से आप लेंटिल्स यानी दालें इंक्लूड कर सकते हैं. 1 सर्विंग ऑफ लेंटिल और होल अगर होगी वो दाल, जैसे कि होल मूंग दाल है या फिर चने की दाल है, ऐसी अगर दालें आप इंक्लूड करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा. आप इन्हें स्प्राउट भी कर सकते हैं. ये है डाइट चार्ट ऑफ डे 3, जिसमें 2 कप्स ऑफ वेजिटेबल्स आप लेंगे, 1 कप ऑफ लेंटिल एंड या फिर 3 कप्स ऑफ वेजिटेबल्स. यानी कि मतलब साफ है, या तो आप ब्रेकफास्ट में अपनी वो जो एक सर्विंग है दाल की वो लें इन स्प्राउट के फॉर्म में, या फिर वो आप लंच में लें. तो ऑप्शन आपके पास 2 यहाँ पर अवेलेबल है. दोनों बार नहीं खाना है. स्नैक्स में फ्रूट्स और नट्स एंड सीड्स रहेगा और डिनर में 3 कप्स ऑफ नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स, वो चेंज नहीं हुआ है अभी तक. डे 4 को आप लिग्यूम्स यानी चना, छोला, राजमा, सोया, लोबिया जैसे हैवी जो होते हैं लिग्यूम्स वो ऐड कर सकते हैं. दे आर वेरी हाई इन प्रोटीन. सो यहाँ से वेजिटेबल्स विच आर वेरी लो कार्ब, लो ऑन कार्ब, उसके साथ प्रोटीन हमने ऐड कर दिया है सेकेंड फेज में. डाइट चार्ट को देखें तो 2 कप्स ऑफ वेजिटेबल्स आप यहाँ पर ब्रेकफास्ट में या तो लेंटिल ले सकते हैं या लिग्यूम्स ले सकते हैं स्प्राउटेड, यानी या तो चना आप स्प्राउट करके ले सकते हैं या फिर जो आप मूंग दाल है वो स्प्राउट करके ले सकते हैं. स्नैक्स में सेम रहेगा. लंच में आप या तो लिग्यूम ले सकते हैं या फिर आप ले सकते हैं लेंटिल, बॉईल करके लेना है और प्रेफरेबली, या फिर स्प्राउट को आप स्टीम करके ले सकते हैं. बाकी सब सेम है. ऑन डे 5 दैट इज थर्ड फेज में आप कोई भी 2 ग्लूटेन फ्री ग्रेन्स जो है अपनी डाइट में लेकर आएंगे, एक सर्विंग ऑफ बोथ, वन सर्विंग ऑफ बोथ. तो आप रागी ला सकते हैं, आप कोई मिलेट ला सकते हैं जैसे कि फॉक्सटेल मिलेट है, आप किनुआ ले सकते हैं, आप ओट्स ले सकते हैं, जवार, बाजरा, बहुत सारे ऑप्शन हैं. आप थोड़ा सा राइस भी ले सकते हैं इस टाइम पर. डे 5 यानी जो फोर्थ फेज, उसमें आप 2 ग्लूटेन फ्री ग्रेन्स ऐड कर सकते हैं, 1 सर्विंग ऑफ ईच 25 to 30 ग्राम. ग्लूटेन फ्री ओट्स आप ले सकते हैं, राइस, रागी, फॉक्सटेल मिलेट या जितने अलग भी मिलेट हैं जैसे कि पर्ल मिलेट है या फिर सोरगम है या किनुआ भी ऐड कर सकते हैं आप. सो डाइट चार्ट को अगर देखें तो आप या तो वो जो हमने न्यू इंट्रोड्यूस किया है ग्लूटेन फ्री ग्रेन वो आप ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं या फिर आप ले सकते हैं लंच में. सो आप ब्रेकफास्ट में किसी भी तरह का एक ग्रेन ले सकते हैं और आप ले सकते हैं एक लंच में. सो लिग्यूम के साथ अगर आप राइस ऐड करेंगे तो आपको कंप्लीट प्रोटीन मिलेगा, चना और चावल यानी, और बाकी सब ऑलमोस्ट सेम है. सो 2 दिन आपको ये लेना है. नाउ ऑन 6th डे आप थोड़ा सा वीट, ब्रोकन वीट जो होता है यानी दलिया होता है वो आप इंक्लूड करेंगे टू सी अगर आपको सिर्फ वीट के खाने के बाद अगर आपका स्टमक अभी तक ठीक है, आपको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम नहीं हुई.
डे सिक्स जो है वो है ग्लूटन को इंट्रोड्यूस करने का, देखने का कि ग्लूटन से आपको एलर्जी है कि नहीं है. तो आप ब्रोकन व्हीट की एक सर्विंग ऐड कर लीजिए अपनी डाइट में, और ये प्रेफरेबली मैं नाइट में प्रेफर करती हूँ बिकॉज, और ऑलवेज हैव योर डिनर 2 to 3 hours बिफोर गोइंग टू बेड. सो बाकी ऑलमोस्ट सारी चीज़ें सेम है, सिर्फ डिनर यहाँ पे चेंज हुआ है, जहाँ पर आप एक सर्विंग ऑफ नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स कम करके हाफ कप यहाँ पे आपने नमकीन दलिया ऐड करना है अपनी डाइट में. मैं यहाँ पर कोई भी कैलोरीज आपको नहीं बता रही हूँ, कोई भी न्यूट्रिशनल फैक्ट अभी नहीं बता रही हूँ, बिकॉज डिपेंड अपॉन, मैंने जैसे सर्विंग साइज मैं आपको बताऊँगी इस वीडियो में सिर्फ. नॉट टूवर्ड्स द एंड यानी आखिरी दिन हम मिल्क प्रोडक्ट्स थोड़े से इंक्लूड करेंगे, दैट इज़ योगर्ट, दही आप इंक्लूड करेंगे, एंड देन यू विल सी कि आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है कि नहीं हो रही है. एक सर्विंग दूध भी ले सकते हैं. सो इस फेज से आप बेसिकली वीगन से वेजिटेरियन बनने जा रहे हैं. अगर आप हनी भी नहीं ले रहे हैं तो आप वीगन हैं अभी तक 6 दिन के लिए. सो डेयरी इंट्रोड्यूस अगर आप करेंगे तो यहाँ पर दो मैंने जगह है जहाँ पर इंट्रोड्यूस किया है. आप लंच में आधा या एक कप दही लेंगे, और सोने से पहले आप बेड टाइम पर दूध ले सकते हैं, टर्मरिक मिल्क ले सकते हैं, टर्मरिक और उसमें ब्लैक पेपर ऐड करके या सिनेमन भी ऐड कर सकते हैं. तो 7 दिनों के लिए आपको जंक फूड को, प्रोसेस्ड फूड को, आप रिफाइंड शुगर को आपको बिल्कुल ना कह देना है. आप डेली 3 चीज़ें खा सकते हैं. जब आप 7 दिन आप थोड़ा सा सॉल्ट, आप स्पाइस एंड हर्ब्स ले सकते हैं, और कोई भी 1 teaspoon ऑफ नेचुरल शुगर, यानी 1 teaspoon आप, अगर मैं वैसे प्रेफर करती हूँ होल, अगर आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाएं, हल्का सा सौते कर लें, रॉ भी नहीं खाने को बोल रही हूँ, सौते करके हल्का सा स्टीम करके खाएं. लेकिन अगर आप फिर भी जूसिंग कर रहे हैं तो आप थोड़ा सा मीठा उसके अंदर ऐड कर सकते हैं. अगर आप सैलड बना रहे हैं तो आप उसके ऊपर थोड़ा सा हनी ऐड कर सकते हैं, हर्ब्स एंड स्पाइसेस ऐड कर सकते हैं. सो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों का आपको ध्यान रखना है डाइट प्लान फॉलो करते वक्त. डोंट डू एक्सेसिव एक्सरसाइज ऑन day 1, day 2, day 3 से आप नॉर्मल वर्कआउट रूटीन पर आ सकते हैं. स्ट्रेस आपको कम से कम रखना है, मेडिटेट अगर कर सकते हैं तो करें, योगा आप परफॉर्म कर सकते हैं, इनफ स्लीप लें, हाइड्रेट रखें अपने आप को, एक्टिव रहें. ये नहीं कि आप कोई डाइट प्लान फॉलो कर रहे हैं तो बिल्कुल आप इनएक्टिव हो जाएंगे कि अरे आई एम नॉट ईटिंग एनीथिंग, आई कॉन्ट डू एनीथिंग. तो यू हैव टू स्टे एक्टिव. सॉल्ट का इनटेक पर ध्यान दें. स्वीटनर आप ऐड कर सकते हैं day 3 से 1 to 2 teaspoon, साथ ही कोकोनट ऑयल और ऑलिव ऑयल यूज़ कर सकते हैं day 3 से 1 to 2 teaspoon. साथ ही आप वेगन प्रोबायोटिक्स ऐड कर सकते हैं अपने डाइट में, जैसे कि सौक्राट है, किमची है. इसके अलावा बाहर से लिया हुआ जूस, चाहे वो वेजिटेबल जूस हो या फिर फ्रूट जूस हो, आपको नहीं लेना है. बाहर से कोई भी चीज़ नहीं आएगी, सारी नेचुरल चीज़ें होंगी. और डिनर का जो टाइम है आपका वो 2 घंटे पहले सोने से आपका हो जाना चाहिए, स्पेशली जहाँ पर आपने ग्रेन इंट्रोड्यूस कर दी है अपनी डाइट में. पोस्ट डिटॉक्स जो फेज़ होगा आपका, 4th जो फेज़ है वो काफ़ी कंफर्टेबल है. अगर चाहे तो उसके आसपास अपना आगे का डाइट प्लान आप फॉलो कर सकते हैं. इसके बाद भी जंक और प्रोसेस फूड को अगर आप अवॉइड करें तो बहुत अच्छा रहेगा. जितने से जितना हो सके नेचुरल और होल फूड खाने की कोशिश करें. एक्सरसाइज करें, एक्सरसाइज करें, एक्सरसाइज करें टू स्टे फिट एंड टू लूज वेट. टेक गुड स्लीप, रिलैक्स एंड कीप स्ट्रेस टू मिनिमम, क्योंकि उससे कुछ नहीं होने वाला. स्ट्रेस ओनली स्पॉइल्स योर हेल्थ. सो आई होप आपको इस डाइट प्लान से हेल्प मिलेगी और आप अपनी बॉडी को क्लींस कर सकेंगे, डिटॉक्स कर सकेंगे, एंड इट विल डेफिनेटली हेल्प यू वेट लॉस अगर आप सही तरीके से करेंगे. और बाकी के टाइम में अपना आपका अगर लाइफस्टाइल हेल्दी है और किसी कारण आपका वेट गेन हो गया है तो आपके लिए डाइट प्लान परफेक्ट है. थैंक्स फॉर वॉचिंग. स्टे हेल्दी, स्टे फिट. मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए. स्टे हेल्दी, स्टे फिट, एंड आई विल बी बैक वेरी सून. बाय बाय.